दुनिया में एक नेटवर्क ऐसा भी है जो फाइनेंशियल मार्केट्स की जो भी नीड एंड रिक्वायरमेंट्स होती है उसे पूरा करता है और तो और अपने यूजर्स को ये फुल प्राइवेसी भी देता है ट्रेड करने के लिए। तो अगर आप जानना चाहते हैं कौन सा ऐसा नेटवर्क है तो वो अभी आपको पता चल जाएगा, लेकिन उससे पहले क्योंकि आपके कहने पर हम इतने एफर्ट्स के साथ आपके लिए वीडियो लेके आए हैं, इसके लिए एक लाइक तो बनता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो के साथ। तो इस नेटवर्क का नाम है डस्क नेटवर्क। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं डस्क नेटवर्क के बारे में, तो जानने के लिए जुड़े रहिए वीडियो के एंड तक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि डस्क नेटवर्क होता क्या है। तो डस्क नेटवर्क को आप एक ब्लॉकचेन कह सकते हैं जो प्रोग्रामेबल एंड कॉन्फिडेंशियल सिक्योरिटीज के लिए होता है और ये पावर्ड है जीरो नॉलेज प्रूफ के साथ एंड नोवल प्राइवेट POS लीडर एक्सट्रैक्शन बेस्ड कंसेंसस प्रोटोकॉल के साथ। इसके साथ ही डस्क नेटवर्क एक प्राइवेसी ब्लॉकचेन है फाइनेंशियल एप्लीकेशंस के लिए। ये लेयर वन ब्लॉकचेन है जो पावर करती है कॉन्फिडेंशियल सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट यानी कि XSC स्टैंडर्ड को एंड इसके साथ ही ये सपोर्ट करती है नेटिव कॉन्फिडेंशियल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को। तो डस्क नेटवर्क का जो मेन एम है वो है जो भी नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स है फाइनेंशियल मार्केट्स की उसको एड्रेस करना एंड इसके साथ ही इसके डिजाइन के सेंट्रल की अगर बात की जाए तो वो है स्केलेबल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, साथ ही डायरेक्ट सेटलमेंट फिनालिटी ऑफ ट्रांजेक्शन्स भी प्रोवाइड करती है एंड स्ट्रिक्ट डेटा प्राइवेसी के साथ प्रोवाइडेड है। तो अगर बात करें डायरेक्ट सेटलमेंट फिनालिटी की तो ये एक डिस्ट्रीब्यूटेड फाइनेंशियल मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर है यानी कि DFMI भी जिसे कहते हैं, जो एक क्लियर एंड फाइनल सेटलमेंट ऑफ ट्रांजेक्शन के लिए बना होता है ताकि ये प्रोवाइड कर सके। एंड बात करें डस्क नेटवर्क की तो इसकी जो ट्रांजेक्शन है वो बहुत ज्यादा फास्ट है, कुछ ही सेकंड्स लेती है कंप्लीट होने के लिए एंड इमीडिएटली ऑन चेन फिनालिटी को अचीव कर लेती है। तो डस्क नेटवर्क प्रोवाइड करता है फुल यूजर प्राइवेसी एंड इनेबल करता है सेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस को एंड थर्ड पार्टीज को ये करता है एलिमिनेट एंड इसके साथ ही डेटा प्राइवेसी भी अपने यूजर्स को ऑफर करता है। इसी के साथ इसकी जो एबिलिटी है बिजनेस प्रोसेसेस को परफॉर्म करने की वो इंक्रीज हो जाती है ऑन चेन में एंड इसी के साथ कॉस्ट रिडक्शन में भी ये काफी हेल्पफुल है। अगर इसके अनदर फीचर की बात की जाए तो वो ये है कि जो यूजर्स हैं इसके लिए उन्हें किसी ट्रस्टेड अथॉरिटी के अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ती डस्क नेटवर्क ब्लॉकचेन को यूज करने के लिए। इसके अलावा बहुत ही ज्यादा मिनिमल प्रोसेसिंग पावर की जरूरत होती है एंड जस्ट नॉर्मल IT रिसोर्सेज की ही जरूरत होती है इस नेटवर्क को ज्वाइन करने के लिए, यानी कि वो सारे यूजर्स जिन्होंने डस्क टोकन को होल्ड किया है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस क्वाइंस में। तो अब बात करते हैं कि एक वर्क कैसे करता है, काम कैसे करता है। तो ट्रांजेक्शनल मॉडल जिसका नाम है फीनिक्स, उसके थ्रू डस्क नेटवर्क जो है ये फोकस करता है ताकि प्राइवेसी लेके आ सके एंड एनोनिमिटी लेके आ सके ट्रांजेक्शन एंड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट दोनों के लिए। इसके साथ ये जो टोकन है ये डिप्लॉय होते हैं डस्क नेटवर्क में जो बिल्ड कर सकते हैं ऑन द टॉप ऑफ Zedger। अब Zedger जो है एक हाइब्रिड प्राइवेसी प्रिजर्विंग मॉडल है जो बेस्ड है फिनिक्स के ऊपर एंड स्पेसिफिकली ये मॉडल है सिक्योरिटी टोकन्स के लिए। तो इसमें जो सीग्रीगेटेड बाइजेंटाइन एग्रीमेंट यानी कि SBA कंसेंसस मैकेनिज्म है वो इस सारे नेटवर्क को सिक्योर रखता है एंड डस्क नेटवर्क की टीम के अकॉर्डिंग जो SBA है ये इम्प्रूवमेंट है एक तरह का ओवर द अंडरलाइन प्रूफ ऑफ स्टेक मैकेनिज्म के ऊपर एंड इसी के साथ ये कंबाइन करता है कुछ एग्जिस्टिंग आइडियाज को जिसमें इंक्लूड है क्रिप्टोग्राफिक सोटिशन, लॉक ट्रांजेक्शंस यानी कि प्राइवेट स्टेक अमाउंट जिसे कहते हैं एंड रेप्यूटेशन मॉड्यूल, जिसके साथ जो चांसेस हैं होनेस्ट नोड्स को सिलेक्ट करने के वो इंक्रीज हो जाते हैं एंड आगे ये डिसेंट्रलाइजेशन को भी प्रमोट करने में काफी हेल्पफुल है। तो डस्क टोकन्स की अगर बात की जाए तो इसको आप यूज भी कर सकते हैं एज ए यूटिलिटी टोकन जिससे ट्रांजेक्शंस को इनिशिएट किया जाता है एंड एटॉमिक स्वैप्स आप इसमें कर सकते हो और इसी के साथ ये डिप्लॉयमेंट ऑफ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए भी यूजफुल है। इसके साथ डस्क को आप स्टेक कर सकते हो पार्टिसिपेट करने के लिए कंसेंसस में एंड ये सर्व होता है एज अ मीन्स ऑफ एक्सचेंजेस डस्क डिनोमिनेटेड वैल्यू के लिए, यानी कि फ्यूचर में जो टीम है ये चाहती है कि इसके जितने भी यूज केसेस हैं डस्क नेटवर्क के उसको और ज्यादा एक्सपैंड किया जा सके इसे ऑन चेन गवर्नेंस सिस्टम बना के। तो बात करें थोड़ी सी डस्क नेटवर्क की, ये कब फाउंड हुआ था, तो ये फाउंड हुआ था 2018 में एंड इट इज बेस्ड इन एम्स्टरडैम द नीदरलैंड्स। अब बात करें इसके प्राइस चार्ट डेटा की, वो आपको स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कि एक दिन में इसने कितना ट्रेड किया है, 7 डेज में क्या इसकी ट्रेडिंग वॉल्यूम रही है, ये सारी चीजें आप इस प्राइस में देख सकते हैं। अब फाइनली अगर आप जानना चाहें कि आप डस्क नेटवर्क को कहां से बाय कर सकते हैं, कहां से परचेज कर सकते हैं, तो जो टॉप क्रिप्टो
करेंसी एक्सचेंजेस हैं जो ट्रेड जिसमें आप ट्रेड कर सकते हो इस डस्ट नेटवर्क में, वो करेंटली अवेलेबल है बाइनांस, बिंग एक्स, बायबिट, फीमेक्स एंड बिजिट के ऊपर, जहां से आप इसे बाय कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज इन्फॉर्मेशन। ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया डस्क नेटवर्क के बारे में, एंड एक यूजर के कहने पर ये वीडियो मैं आपके लिए लेके आई थी। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल एंड इंटरेस्टिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, एंड जुड़े रहिए ऐसे ही हमारे चैनल फिनस्टेक के साथ ऐसी ही और इन्फॉर्मेशन के लिए।